खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार पर आज हो जाएगी तस्वीर साफ। शाम तक शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कर सकती है बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में शिवसेना का होगा मुख्यमंत्री, कांग्रेस बोली एनसीपी ने कभी सीएम पद पर दावा नहीं किया। शिवसेना के सीएम चेहरे पर सस्पेंस, उद्धव ठाकरे ने खुद को सीएम रेस से अलग रखा। सीएम रेस में नाम आने पर संजय राउत बोले मेरा नाम गलत, एक शिव सैनिक ही बनेगा मुख्यमंत्री। आज सुबह कांग्रेस एनसीपी की बैठक हुई, अब शिवसेना के साथ तीनों पार्टियों का मंथन। बीएमसी में शिवसेना की मेयर किशोरी पादनेकर निर्विरोध चुनी गई, डिप्टी मेयर भी शिवसेना का। राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस ने आज फिर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में अब सीवर के नए कनेक्शन के लिए देने होंगे सिर्फ 2310 रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट चार्ज भी बंद। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पासवान पर आरओ वाटर कंपनियों से सांठगांठ का आरोप लगाया, मांगा इस्तीफा। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले राम जन्मभूमि मंदिर में केवट और शबरी की मूर्तियां भी हो। पुद्दुचेरी में कांग्रेस के मुख्यमंत्री नारायण सामी बोले केंद्र जरूरत के हिसाब से हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहता है, हमें किन्नरों का दर्जा क्यों नहीं दे देता। आज मुलायम सिंह का जन्मदिन, लखनऊ में पूरे जश्न के साथ अखिलेश ने कटवाया केक, 80 साल के हुए हैं। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा, दो गाड़ियों की टक्कर, 3 की मौत। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी में तेज रफ्तार बस सड़क पर पलट गई, बाल बाल बचे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में लापरवाही से ऊँटों को भूखा प्यासा गौशाला में रखा गया, एक ऊँट की मौत हुई, शिकायत के बाद पुलिस ने 17 ऊँटों की जान बचाई। जेएनयू फीस विवाद पर पटना विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने छात्रों के खिलाफ दिया था बयान। पटना में चौकीदार और माली की सरकारी नौकरी के लिए एमबीए और एमसी किए हुए 125 छात्रों ने आवेदन किया। नागरिक संशोधन विधेयक यानी एनआरसी के खिलाफ किसानों और मजदूरों ने गुवाहाटी में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में सड़क हादसे में छात्रा की मौत, नाराज लोगों ने ट्रेन रोकी। यूपी के पीलीभीत में पराली जलाने पर पुलिस के एक्शन से नाराज हैं किसान, लेखपाल समेत प्रदर्शन करने बैठे किसान। यूपी के संभल में नाबालिग लड़की को रेप के बाद जिंदा जलाने की कोशिश, लड़की अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में महिला पुलिसकर्मी को बंधक बनाकर रेप का आरोप, घर बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाने के बाद वारदात।